तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड स्टार आर्मी। तो आज आपको फिर से थंबनेल देके पता चल गया होगा कि आज मैं डायमंड का गिव अवे कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सीरियसली मैं आज डायमंड का गिव अवे करने वाला हूँ। तो डायमंड के गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जो कि आपको करने है। तो पहले तो आपको वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है, उसके बाद आपको लाइक के बटन को दबा देना है, फिर आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको दबाने के बाद आपको बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट पे जाना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद आपको उसके नीचे आपकी यूआईडी चिपका देना है। ठीक है, यूज़र नेम नहीं, यूआईडी चिपकाना है। और उसके बाद आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर देना है। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपके जीतने के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो पे 100 डायमंड का गिव अवे करने वाला हूँ। तो यार बहुत से कम लोग ही मेरे वीडियो देखते हैं, तो आपका जीतने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आप सकते हो 100 डायमंड। तो यार आपको बस मैंने जो टिप्स बताए हैं उनको फॉलो कर लेना है और आपको भी 100 डायमंड मिल सकता है। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली ये बताने वाला हूँ M1014, M1887 और जो MAG5 नाम का कोई गन आया है और स्पास, इन सब में सबसे बेस्ट गन कौन सा है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए हम पहले चले जाते हैं अपने ट्रेनिंग राउंड की ओर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुका हूँ। ठीक है, और मैं ये MP40 पहले तो फेंक देता हूँ। तो हम पहले ट्राई करेंगे स्पास गन की ओर। ठीक है, तो स्पास गन किधर है? ओके, सो यहाँ पे स्पास गन। तो अपने को स्पास गन मिल चुका है। ठीक है, तो स्पास गन मिलने के बाद हमें इस पर एक अटैचमेंट लगाना होता है जिसे कहते हैं मजल लेवल 3। ठीक है, 1-2 भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा, इसमें ज़्यादा एमओ डाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका खासियत, देखो इसका डैमेज आप देख सकते हो, 12, 16, 14, 17 ऐसा करके आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक बहुत ही बड़ा असुविधा है। ठीक है, असुविधा वो क्या है कि इसमें आप सिर्फ एक ही गोली यूज़ कर सकते हो। एक ही गोली का मतलब ऐसा है कि आप अगर एक गोली चला दोगे, हाँ, उसके बाद आप इसको दबा के रखोगे तो ये देखो ऐसे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें टैप 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 करना होता है, जैसे कि फार्मास में नहीं होता वैसे आपको टैप टैप करते जाना है। पर बहुत से लोग इसको 1 टैप के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इसको 1 टैप में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं इस सब गन का गेम प्ले थोड़ी थोड़ी बाद दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने M10 की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ से M10 ले लिया है। ठीक है, तो M10 में बेसिकली 2 अटैचमेंट लगते हैं जो कि है स्टॉक। तो ये देखो, आप पहले इसका डैमेज देख लो। ओके, देखो 22-25 करके इसका डैमेज आ रहा है, जो कि यार बहुत ही ओपी बात है। और हेड पे 143 का। ठीक है, तो बहुत से लोग इस गन को भी यूज़ करते हैं क्योंकि यार इसमें बहुत ही ज़्यादा एमओ आप एक साथ डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है, इसका रीलोड स्पीड यार आप देख लो, एक सेकंड देख लो, ये देखो कितना लेट रीलोड करता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत से लोग इसको यूज़ नहीं करते। और एक और वजह है कि इसका रेंज, ठीक है, तो ये ज़्यादा रेंज तक नहीं जाता इसका बुलेट, तो इसलिए बहुत से लोग इसको प्रेफर नहीं करते। पर बहुत से लोगों को ये मनपसंद गन है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट गन जो आता है वो है M1887, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा देख लो कितना ज़्यादा रेंज है। ठीक है, देख लो एक सेकंड, तो मैं इतनी दूर तक आ चुका हूँ फिर भी रेंज जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो 80 का हेडशॉट अभी भी पड़ रहा है इतनी दूर से। और M1887 में दूर से ज़्यादा हेड लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखो 12-16 करके, अरे भाई साहब 12-16 करके, 17 करके, ऐसा करके डैमेज आ रहा है, जो कि यार बहुत ही ओपी गन है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसका रीलोड, ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिर्फ 2 ही एमओ आ जाता है। ठीक है, तो इसको बार बार रीलोड करना पड़ता है, इसलिए इसका असुविधा है। तो इसका नाम मैग सेवन है, मैंने 5 बोला था। ओके, तो हम इसमें फॉरग्रिप और स्टॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक लगाने के बाद हम इसका टेस्ट करेंगे। तो ये देखो यार, आप देख सकते हो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसका रेट ऑफ फायर, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ फायर यार बहुत ही ओपी है। आप चाहो तो इसको रैंक मैच में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यार इसका जो सबसे बड़ा असुविधा है वो है यार फेक डैमेज। तो मैं गेम में दिखा दूंगा कि फेक डैमेज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यार इसको इतना ज़्यादा डैमेज पड़ने के बाद भी बंदा मर नहीं रहा है, तो मैं इसको पॉइंट कर दूंगा बाद में वीडियो के बीच में। ओके, तो हम सारे के सारे गन का टेस्टिंग कर चुके हैं अभी, तो अभी हम गेम में जाएंगे। ठीक है,
तो गेम में जाके हम दिखाएंगे इसका कैसा मतलब असर पड़ रहा है दूसरे बंदे की ओर। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो कि सामने बंदा और ये वन टैप। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें वन टैप यार बहुत ही ओपी लगता है, ठीक है, पर अगर आपको वन टैप अच्छा नहीं मारने आता, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेकार करने। तो देखो मैं जैसा कि चला के दिखा रहा हूँ इसको। अरे यार इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसलिए मैं ज़्यादा स्किप नहीं कर रहा कि आपको पता चले यार इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन मैं चाहता तो आपको हेडशॉट सीन ही सब दिखा पाता। पर मैंने क्या किया, मैंने आपको हेडशॉट के साथ साथ मरने का सीन भी दिखाया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसका डिसएडवांटेजेस भी क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि इसमें हेडशॉट यार बहुत ही ओपी लगता है, लेकिन इसका डैमेज कुछ खास तो नहीं है, दो नली के तरह ही है, ठीक है। लेकिन इसमें यार वन टैप ही आपको मारना होगा, क्योंकि आप लगातार दो फायर या फिर तीन फायर ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, जिसकी वजह से सारे इसको नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो मैंने M10 को ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम M10 से हेडशॉट मारने की कोशिश करेंगे। तो बंदा एक बार दिख जा, एक सेंट सामने बंदा है और हेडशॉट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ अभी। तो आप लोग जैसे कि अरे भाई साहब इसको भी ओपी हेडशॉट। तो आप लोग मेरा इसका थोड़ा सा डैमेज देख लो, ठीक है। डैमेज देखो 22 22 22, ठीक है, 16 24 24 करके इसका डैमेज आता है, जो कि यार हर गन में यार बहुत ही ओपी काम करता है। तो यार लोग इसके डैमेज की वजह से और इतना ज़्यादा चांसेस होने की वजह से, चांसेस मतलब इसमें 7-8 गोलियाँ भर जाते, 6 गोलियाँ आ जाता है, ठीक है। तो बंदे लोग क्या करते हैं इससे उसको बहुत ही ज़्यादा चांस मिल जाता है। लेकिन इसका सबसे जो बैड तरफ है, ठीक है, मतलब बुरा दिक है, ओके, वो है इसका रीलोड स्पीड, ओके। तो इसका रेंज भी यार उतना कुछ खास नहीं है। आप शॉर्ट रेंज में तो यार आसानी से हेडशॉट मार सकते हो, लेकिन बंदा अगर आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर होगा तो आप उसको 1-2 डैमेज भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो M1887 में उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इसमें यार उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ओके। तो हम अभी आ चुके हैं, तो अभी हम ये गन फेंक के दूसरा कोई गन ले लेते हैं, ओके। तो दोस्तों अभी अपने पास आ चुका है M1887, जो कि सबका चहेता गन है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हो इसका डैमेज उतना कुछ खास नहीं है M1814 के सामने, ठीक है। तो फिर भी यार बहुत से लोग इसको कस्टम में यार बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब जो है ना, इसका रीलोड स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है और इसका डैमेज भी यार बहुत ही ओपी वाला हो जाता है। ये ग्लोअल फोड़ने में यार बहुत ही ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए लोग इसको रैंकेड मैच में भी लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूँ कि मैं ये बस शॉर्ट गन के बीच में ही बोल रहा हूँ, ठीक है, SMG गन का बाद में आएगा। तो देखो इसमें यार हेडशॉट मारना उतना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि यार इसमें बहुत ही ज़्यादा रेंज है, ओके। तो इसका रेंज होने के मतलब इसका रेंज जो है ना, उसकी वजह से ये गन सबका पसंदीदा गन में से एक है। तो यार बहुत से लोग इस गन को भी चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी अपने आखिरी गन यानी कि M1887 की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम M1887 को लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसका मतलब जो अच्छा बात होता है ना वो बता देता हूँ कि इसका रेट ऑफ फायर, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ फायर यार बहुत ही जहर है, ठीक है, जिससे कि आप बंदे को मतलब वेक्टर की तरह रेट ऑफ फायर बोल सकते हो, कि यार बंदे को मौका ही नहीं देता यार कि वो इस पर हमला कर सके। इससे हर कोई बंदा यार अचानक से डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज के साथ वो मर जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इन सब गन के बारे में बता दिया। तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो यार ज़रूर से कर देना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना यार। 80 रुपये का गिव अवे कर रहा हूँ, मतलब 100 डायमंड का, ठीक है। अगर इसमें अगर 20 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं एक और गिव अवे लाऊंगा, जो कि 80 रुपये का 2-2 होगा, ठीक है। और इस गिव अवे का जो विजेता होगा उसका नाम मैं परसों में एक वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा, ओके। तो मैंने जो कहा था फेक डैमेज, ठीक है, तो मैं फेक डैमेज भी आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो, ये देखो मैंने इसको स्लो मोशन कर दिया, कितना ज़्यादा डैमेज है आपको हिसाब लगा लिया होगा, ठीक है। एक और गोली मारा फिर भी नहीं मारा, ओके। तो इस साइड से एक और मतलब यार क्या ही मारा यार, 45 का मारा फिर जाके यार ये मारा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये देखो इसको भी मारा यार, हेड मारा यार, देख सकते हो कि यार अभी भी नहीं मर रहा, ठीक है।
यही यार फेक डैमेज था, ठीक है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अलविदा।